तो ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऋषि सुनक की कामयाबी के लिए उनके माता पिता ने वैष्णो देवी में दर्शन किए थे। बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर भारतीय मूल के ऋषि सुनक कमान संभालने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ऋषि सुनक के माता पिता ने माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। वहां के सीईओ ने ये तस्वीरें साझा की हैं, किस तरीके से उनके माता पिता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे और वहां अपने बेटे ऋषि सुनक के लिए प्रार्थना की। युद्ध के बीच रूस ने एंटी टैंक मिसाइल दागने की ट्रेनिंग तेज कर दी। माना जा रहा है कि रूस ने जंग की इस तैयारी के जरिए पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, जिसके तहत पुतिन की फौज ने पूर्वी साइबेरिया के एक इलाके में घातक हथियारों के साथ पसीना बहाया। रूस की तरफ से जारी वीडियो में सेना के जवान एक के बाद एक कई एंटी टैंक मिसाइलें दागते दिखाई दिए। उन्होंने तय टारगेट पर जोरदार हमले किए, जिससे वो इलाका कई घंटों तक लगातार गूंजता रहा। असल में रूसी सेना यूक्रेन से लड़ने के साथ साथ उन पश्चिमी देशों को भी आंखें दिखा रही है जो उसके दुश्मन के साथ खड़े हैं, यानी जो जंग की शुरुआत से यूक्रेन की मदद करने में जुटे हैं। और उन्हीं देशों की बदौलत यूक्रेन पिछले 8 महीने से रूस जैसे महाशक्तिशाली देश का सामना कर रहा है। और अब तो यूक्रेन के साथ खड़े पश्चिम के कई देशों ने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि पुतिन उन देशों को कई बार यूक्रेन की मदद करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं। और इसीलिए रूस के सामने यूक्रेन के अलावा अब कई और देशों से लड़ाई लड़ने की चुनौती खड़ी हो गई है। मतलब रूस ने यूरोप के कई देशों को भी अपना दुश्मन बना लिया है और उसे कभी भी उन देशों का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि रूसी सेना हर मोर्चे पर उनका मुकाबला करने की तैयारी में जुटी है। इसी कड़ी में वो रूस के अलग अलग इलाकों में लगातार ट्रेनिंग ले रही है, ताकि वक्त पड़ने पर वो पूरी ताकत से अपने दुश्मन पर अटैक कर सके।